मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात के इस 98वें एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। सेंचुरी की तरफ बढ़ते इस सफर में मन की बात को आप सभी ने जन भागीदारी के अभिव्यक्ति का अद्भुत प्लेटफॉर्म बना दिया है। हर महीने लाखों संदेशों में कितने ही लोगों के मन की बात मुझ तक पहुंचती है। आप अपने मन की शक्ति तो जानते ही हैं, वैसे ही समाज की शक्ति से कैसे देश की शक्ति बढ़ती है, ये हमने मन की बात के अलग अलग एपिसोड में देखा है, समझा है और मैंने अनुभव किया है, स्वीकार भी किया है। मुझे वो दिन याद है जब हमने मन की बात में भारत के पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहन की बात की थी। तुरंत उस समय देश में एक लहर से उठ गई भारतीय खेलों के जुड़ने की, इनमें रमने की, इन्हें सीखने की। मन की बात में जब भारतीय खिलौनों की बात हुई तो देश के लोगों ने इसे भी हाथों हाथ बढ़ावा दे दिया। अब तो भारतीय खिलौनों का इतना क्रेज हो गया है कि विदेशों में भी इनकी डिमांड बहुत बढ़ रही है। जब मन की बात में हमने स्टोरी टेलिंग की भारतीय विधाओं पर बात की तो इनकी प्रसिद्धि भी दूर दूर तक पहुंच गई। लोग ज्यादा से ज्यादा भारतीय स्टोरी टेलिंग की विधाओं की तरफ आकर्षित होने लगे। साथियों, आपको याद होगा सरदार पटेल की जयंती यानी एकता दिवस के अवसर पर मन की बात में हमने 3 कॉम्पिटिशन्स की बात की थी। ये प्रतियोगिताएं देशभक्ति पर गीत, लोरी और रंगोली, इससे जुड़ी थी। मुझे ये बताते हुए खुशी है, देश भर के 700 से अधिक जिलों के 5 लाख से अधिक लोगों ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया है। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी ने इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी की और 20 से अधिक भाषाओं में अपनी एंट्रीज भेजी है। इन कॉम्पिटिशन्स में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई है। आप में से हर कोई अपने आप में एक चैंपियन है, कला साधक है। आप सभी ने यह दिखाया है कि अपने देश की विविधता और संस्कृति के लिए आपके हृदय में कितना प्रेम है। साथियों, आज इस मौके पर मुझे लता मंगेशकर जी, लता दीदी की याद आना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि जब ये प्रतियोगिता प्रारंभ हुई थी उस दिन लता दीदी ने ट्वीट करके देशवासियों से आग्रह किया था कि वे इस स्पर्धा में जरूर जुड़े। साथियों, लोरी राइटिंग कंपटीशन में पहला पुरस्कार कर्नाटका के चामराजनगर जिले के BM मंजुनाथ जी ने जीता है। इन्हें ये पुरस्कार कन्नड़ में लिखी उनकी लोरी मलगु कंदा के लिए मिला है। इसे लिखने की प्रेरणा इन्हें अपनी माँ और दादी के गाए लोरी गीतों से मिली। आप इसे सुनेंगे तो आपको भी आनंद आएगा। मलगु कंद मलगु कोसे मलगु नन्न जान मरिए हगलु कड़ेदु इरुळु नेरेदु निदिर देवे बरुवळय्या तारेगळ तोटदिंद ಕನಸ ಕೊಯ್ದು ತರುವಳೆಯ ಮಲಗು ಕಂದ ಮಲಗು ಕೂಸೆ ಜೋ 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 ಅಸಮ್ ಮೇ ಕಾಮರೂಪ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ ರಹನೆ ವಾಲೆ ದಿನೇಶ್ ಗೋವಾಲಾ ಜಿ ನೆ ಇಸ್ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತಾ ಮೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಜ್ ಜೀತಾ ಹೈ ಇನ್ಹೋನೆ ಜೋ ಲೋರಿ ಲಿಖಿ ಹೈ
उसमें स्थानीय मिट्टी और मेटल के बर्तन बनाने वाले कारीगरों के पॉपुलर क्राफ्ट की छाप है। कोहार को काए मुनाती अनीस मुनाती हसेनों की खुली साई देखी लो कोहार और मुनाती मुनाते हसे बन बाती हमारे मोइनाई कोहार खुदी साई किनुई बन बाती। गीतों और लोरी की तरह ही रंगोली कंपटीशन भी काफी लोकप्रिय रहा। इसमें हिस्सा लेने वालों ने एक से बढ़कर एक सुंदर रंगोली बनाकर भेजी। इसमें विनिंग एंट्री पंजाब के कमल कुमार जी की रही। इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अमर शहीद वीर भगत सिंह की बहुत ही सुंदर रंगोली बनाई। महाराष्ट्र के सांगली के सचिन नरेंद्र अवसारी जी ने अपनी रंगोली में जलियांवाला बाग, उसका नरसंहार और शहीद उधम सिंह की बहादुरी को प्रदर्शित किया। गोवा के रहने वाले गुरुदत्त वांटेकर जी ने गांधी जी की रंगोली बनाई, जबकि पुडुचेरी के मालाती सेल्वम जी ने भी आजादी के कई महान सेनानियों पर अपना फोकस रखा। देशभक्ति गीत प्रतियोगिता की विजेता टी विजय दुर्गा जी आंध्र प्रदेश की हैं। उन्होंने तेलुगु में अपनी एंट्री भेजी थी। वे अपने क्षेत्र के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी नरसिम्हा रेड्डी गारू जी से काफी प्रेरित रही है। आप भी सुनिए विजय दुर्गा जी की एंट्री का यह हिस्सा। रेनाटी सूर्युड़ा वीर नर सिंहुड़ा भारत स्वातंत्र समरपु अंकुरानी विनीवुरा अंकुशानी विनीवुरा अंकुशानी विनीवुरा तेल्ल दोरला नीति लेनी निरंकुशपु दमन कांडकु सलसलमनि मरिगिन नी नेत्तुटि एर्रनी काकलु रेनाटी सूर्युड़ा वीर नर सिंहुड़ा। तेलुगु के बाद अब मैं आपको मैथिली में एक क्लिप सुनाता हूँ। इसे दीपक वत्स जी ने भेजा है। उन्होंने भी इस प्रतियोगिता में पुरस्कार जीता है। भारत दुनिया कुशान छयो भैया हमर देश महान छई तीन बगल छई समुद्र से घेरल उत्तर में कैलाश बलवान छई गंगा यमुना कृष्णा कावेरी कोसी कमला बलान छई हमर देश महान छयो भैया तिरंगे में बसल प्राण छई। साथियों, मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। प्रतियोगिता में आई इस तरह की एंट्रीज की लिस्ट बहुत लंबी है। आप संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर इन्हें अपने परिवार के साथ देखें और सुने, आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, बात बनारस की हो, शहनाई की हो, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी की हो, तो स्वाभाविक है कि मेरा ध्यान उस तरफ जाएगा ही। कुछ दिन पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार दिए गए। ये पुरस्कार म्यूजिक और परफॉर्मिंग आर्ट्स के क्षेत्र में उभर रहे प्रतिभाशाली कलाकारों को दिए जाते हैं। ये कला और संगीत जगत की लोकप्रियता बढ़ाने के साथ ही इसकी समृद्धि में अपना योगदान दे रहे हैं। इनमें वे कलाकार भी शामिल हैं जिन्होंने उन इंस्ट्रूमेंट्स में नई जान फूंकी है जिनकी पॉपुलैरिटी समय के साथ कम होती जा रही थी। अब आप सभी इस ट्यून को ध्यान से सुनिए।
आप जानते हैं ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? संभव है आपको पता न भी हो। इस वाद्य यंत्र का नाम सुर सिंगार है और इस धुन को तैयार किया है जॉयदीप मुखर्जी ने। जॉयदीप जी उस्ताद बिस्मिल्ला खान पुरस्कार से सम्मानित युवाओं में शामिल है। इस इंस्ट्रूमेंट की धुनों को सुनना पिछले 50 और 60 के दशक से ही दुर्लभ हो चुका था, लेकिन जॉयदीप सुर सिंगार को फिर से पॉपुलर बनाने में जी जान से जुटे हैं। उसी प्रकार बहन उपलपू नागमणि जी का प्रयास भी बहुत ही प्रेरक है, जिन्हें मैंडोलिन में कार्नाटिक इंस्ट्रूमेंटल के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। वहीं संग्राम सिंह सुहास भंडारे जी को वारकरी कीर्तन के लिए यह पुरस्कार मिला है। इस लिस्ट में सिर्फ संगीत से जुड़े कलाकार ही नहीं है, वी दुर्गा देवी जी ने नृत्य की एक प्राचीन शैली करकट्टम के लिए यह पुरस्कार जीता है। इस पुरस्कार के एक और विजेता राजकुमार नायक जी ने तेलंगाना के 31 जिलों में 101 दिन तक चलने वाली पेरिनी ओडिसी का आयोजन किया था। आज लोग इन्हें पेरिनी राजकुमार के नाम से जानने लगे हैं। पेरिनी नाट्यम भगवान शिव को समर्पित एक नृत्य है जो काकतीय डायनेस्टी के दौर में काफी लोकप्रिय था। इस डायनेस्टी की जड़ें आज के तेलंगाना से जुड़ी है। एक अन्य पुरस्कार विजेता साइखोम सुरचंद्रा सिंह जी है। ये मैतेई पुंग इंस्ट्रूमेंट बनाने में अपनी महारत के लिए जाने जाते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट का मणिपुर से नाता है। पुरन सिंह एक दिव्यांग कलाकार है जो राजुला मलुशाही नेओली हुड़का बोल जागर जैसे विभिन्न म्यूजिक फॉर्म्स को लोकप्रिय बना रहे हैं। इन्होंने इनसे जुड़ी कई ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी तैयार की है। उत्तराखंड के फोक म्यूजिक में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पुरन सिंह जी ने कई पुरस्कार भी जीते हैं। समय की सीमा के चलते मैं यहाँ सभी अवार्डीज की बातें भले न कर पाऊं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप उनके बारे में जरूर पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सभी कलाकार परफॉर्मिंग आर्ट्स को और पॉपुलर बनाने के लिए ग्रास रूट्स पर सभी को प्रेरित करते रहेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, तेजी से आगे बढ़ते हमारे देश में डिजिटल इंडिया की ताकत कोने कोने में दिख रही है। डिजिटल इंडिया की शक्ति को घर घर पहुंचाने में अलग अलग एप्स की बड़ी भूमिका होती है। ऐसा ही एक ऐप है ई संजीवनी। इस ऐप से टेली कंसल्टेशन यानी दूर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में सलाह कर सकते हैं। इस ऐप का उपयोग करके अब तक टेली कंसल्टेशन करने वालों की संख्या 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। आप कल्पना कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 10 करोड़ कंसल्टेशंस, मरीज और डॉक्टर के साथ अद्भुत नाता, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस उपलब्धि के लिए मैं सभी डॉक्टरों और इस सुविधा का लाभ उठाने वाले मरीजों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत के लोगों ने तकनीक को कैसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। हमने देखा है कि कोरोना के काल में ई संजीवनी ऐप, इसके जरिए टेली कंसल्टेशन लोगों के लिए एक बड़ा वरदान साबित हुआ है। मेरा भी मन हुआ कि क्यों ना इसके बारे में मन की बात में हम एक डॉक्टर और एक मरीज से बात करें, संवाद करें और आप तक बात को पहुंचाए। हमें जानने की कोशिश करें कि टेली कंसल्टेशन लोगों के लिए आखिर कितना प्रभावी रहा है।
हमारे साथ सिक्किम से डॉक्टर मदन मणि जी हैं। डॉक्टर मदन मणि जी रहने वाले सिक्किम के ही हैं, लेकिन उन्होंने एमबीबीएस धनबाद से किया और फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एमडी किया। वो ग्रामीण इलाकों के सैकड़ों लोगों को टेली कंसल्टेशन दे चुके हैं। नमस्कार। नमस्कार मदन मणि जी। जी नमस्कार सर, मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। जी जी सर, आप तो बनारस में पढ़े हैं। जी मैं बनारस में पढ़ा हूँ। आपका मेडिकल एजुकेशन वहीं हुआ? जी जी। तो जब आप बनारस में थे तब का बनारस और आज बदला हुआ बनारस कभी देखने गए कि नहीं गए? जी प्रधानमंत्री जी, मैं जा नहीं पाया हूँ जब से मैं वापस सिक्किम आया हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि काफी बदल गया है। तो कितने साल हो गए आपको बनारस छोड़े? बनारस 2006 से छोड़ा हुआ हूँ। ओ, फिर तो आपको जरूर जाना चाहिए। जी जी। अच्छा, मैंने फोन तो इसलिए किया कि आप सिक्किम के अंदर दूर सुदूर पहाड़ों में रह करके वहाँ के लोगों को टेली कंसल्टेशन का बहुत बड़ी सेवाएं दे रहे हैं। जी। मैं मन की बात के श्रोताओं को आपका अनुभव सुनाना चाहता हूँ। जी। जरा मुझे बताइए कैसा अनुभव रहा है? अनुभव बहुत बढ़िया रहा प्रधानमंत्री जी। क्या है कि सिक्किम में बहुत नजदीक का जो पीएचसी है वहाँ जाने के लिए भी लोगों को गाड़ी में चढ़ कम से कम 100-200 रुपया लेके जाना पड़ता है, और डॉक्टर मिले नहीं मिले ये भी एक प्रॉब्लम है। तो टेली कंसल्टेशन के माध्यम से लोग हम लोग से सीधे जुड़ जाते हैं, दूर दराज के लोग। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के जो CHO होते हैं वो लोग हम लोग से कनेक्ट करवा देते हैं, और हम लोग का जो पुराने उनके बीमारी है उनकी रिपोर्ट्स, उनका अभी का प्रेजेंट कंडीशन सारी चीजें हम लोग को वो बता देते हैं। यानी डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करते हैं? जी जी, डॉक्यूमेंट ट्रांसफर भी करते हैं, और अगर ट्रांसफर नहीं कर सके तो वो पढ़ के हम लोग को बताते हैं। वहाँ का वेलनेस सेंटर का डॉक्टर बताता है? जी, वेलनेस सेंटर में जो CHO रहता है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। और जो पेशेंट है वो अपनी कठिनाइयां आपको सीधी बताता है? जी, पेशेंट भी कठिनाई हमको बताता है, फिर पुराने रिकॉर्ड देख के, फिर अगर कोई नई चीजें हम लोग को जानना है, जैसे किसी का चेस्ट ऑस्कल्टेट करना है, अगर उसको पैर सूजा है कि नहीं, अगर CHO ने नहीं देखा है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि जाके देखो सूजन है नहीं है, आंख देखो एनीमिया है कि नहीं है, उसका अगर खांसी है तो चेस्ट को ऑस्कल्टेट करो और पता करो कि वहाँ पे साउंड है कि नहीं। आप वॉइस कॉल से बात करते हैं या वीडियो कॉल का भी उपयोग करते हैं? जी, वीडियो कॉल का उपयोग करते हैं। तो आप पेशेंट को भी देखते हैं? पेशेंट को भी देख पाते हैं। जी। पेशेंट को क्या फीलिंग आता है? पेशेंट को अच्छा लगता है क्योंकि डॉक्टर को नजदीक से वो देख पाता है, उसको कंफ्यूजन रहता है कि उसका दवा घटाना है बढ़ाना है, क्योंकि सिक्किम में ज्यादातर जो पेशेंट होते हैं वो डायबिटीज हाइपरटेंशन के आते हैं, और एक डायबिटीज और हाइपरटेंशन के दवा को चेंज करने के लिए उसको डॉक्टर मिलने के लिए कितना दूर जाना पड़ता है, लेकिन टेली कंसल्टेशन के थ्रू वहीं मिल जाता है, और दवा भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में फ्री ड्रग्स इनिशिएटिव के थ्रू मिल जाता है, तो वहीं से दवा भी लेके जाता है वो। अच्छा मदन मणि जी, आप तो जानते ही हैं कि पेशेंट का एक स्वभाव रहता है कि जब तक वो डॉक्टर आता नहीं है, डॉक्टर देखता नहीं है, उसको संतोष नहीं होता है, और डॉक्टर को भी लगता है जरा मरीज को देखना पड़ेगा। अब आज सारा ये टेलीकॉम कंसल्टेशन होता है तो डॉक्टर को क्या फील होता है, पेशेंट को क्या फील होता है? जी, वो हम लोग को भी लगता है कि अगर पेशेंट को लगता है कि डॉक्टर को देखना चाहिए, तो हम लोग को जो जो चीजें देखना है वो हम लोग CHO को बोल के वीडियो में ही हम लोग देखने के लिए बोलते हैं, और कभी कभी तो पेशेंट को वीडियो में ही नजदीक में आके उसकी जो परेशानियां हैं, अगर किसी को चर्म का प्रॉब्लम है, स्किन का प्रॉब्लम है, तो वो हम लोग को वीडियो से ही दिखा देते हैं, तो संतुष्टि रहता है उन लोगों को। और बाद में उसका उपचार करने के बाद उसको संतोष मिलता है, क्या अनुभव आता है, पेशेंट ठीक हो रहे हैं? जी, बहुत संतोष मिलता है, हमको भी संतोष मिलता है सर, क्योंकि मैं अभी स्वास्थ्य विभाग में हूँ और साथ साथ में टेली कंसल्टेशन भी करता हूँ, तो फाइल के साथ साथ पेशेंट को भी देखना मेरे लिए बहुत अच्छा सुखद अनुभव रहता है। एवरेज कितने पेशेंट आपको टेली कंसल्टेशन के साथ होंगे? अभी तक मैंने 536 पेशेंट देखे हैं। आपको काफी इसमें महारत आ गई है। जी, अच्छा लगता है देखने में। चलिए, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आप सिक्किम के दूर सुदूर जंगलों में पहाड़ों में रहने वाले लोगों की इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, और खुशी की बात है कि हमारे देश के दूर दराज क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी का इतना बढ़िया उपयोग हो रहा है। चलिए, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई।
थैंक यू। साथियों, डॉक्टर मदन मणि जी की बातों से साफ है कि ई संजीवनी ऐप किस तरह उनकी मदद कर रहा है। डॉक्टर मदन जी के बाद अब हम एक और मदन जी से जुड़ते हैं। ये उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के रहने वाले मदन मोहनलाल जी हैं। अब ये भी संयोग है कि चंदौली भी बनारस से सटा हुआ है। आइए मदन मोहन जी से जानते हैं कि ई संजीवनी को लेकर एक मरीज के रूप में उनका अनुभव क्या रहा है। मदन मोहन जी प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार साहब। नमस्कार। अच्छा, मुझे बताया गया है कि आप डायबिटीज के मरीज हैं जी, और आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करके टेली कंसल्टेशन कर करके अपनी बीमारी के संबंध में मदद लेते हैं जी। एक पेशेंट के नाते, एक दर्दी के रूप में मैं आपके अनुभव सुनना चाहता हूं, ताकि मैं देशवासियों तक इस बात को पहुंचाना चाहूं कि आज की टेक्नोलॉजी से हमारे गांव में रहने वाले लोग भी किस प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं। जरा बताइए कैसे करते हैं। ऐसा है सर कि हॉस्पिटलें दूर हैं, और जब डायबिटीज हमको हुआ तो हमको जब 5-6 किलोमीटर दूर जाकर इलाज करना पड़ता था, दिखाना पड़ता था, और जब से व्यवस्था आप द्वारा बनाई गई है, इससे है कि मैं जाता हूँ, हमारा जांच होता है, हमको बाहर के डॉक्टरों से बात भी करा देती हैं और दवा भी दे देती हैं। इससे हमको बड़ा लाभ है और लोगों को भी लाभ है इससे। तो एक ही डॉक्टर हर बार आपको देखते हैं कि डॉक्टर बदलते जाते हैं? जैसा उनको नहीं समझ, डॉक्टर को दिखा देती हैं, वही बात करके दूसरे डॉक्टर से हमसे बात कराती हैं। और डॉक्टर आपको जो गाइडेंस देते हैं वो आपको पूरा फायदा होता है उससे? हमको फायदा होता है, हमको उससे बहुत बड़ा फायदा है, और गांव के लोगों को भी फायदा उससे है। सभी लोग वहाँ पहुँचते हैं कि भैया हमारा बीपी है, हमारा शुगर है, टेस्ट करो, जांच करो, दवा बताओ। और पहले तो 5-6 किलोमीटर दूर जाते थे, लंबी लाइन लगी रहती थी, पैथोलॉजी में लाइन लगी रहती थी, एक एक दिन का समय नुकसान होता था। मतलब आपका समय भी बच जाता है और पैसा भी व्यय होता था। यहाँ तो निःशुल्क सेवाएं सब हो रही हैं। अच्छा, जब आप अपने सामने डॉक्टर को मिलते हैं तो एक विश्वास बनता है, चलो भाई डॉक्टर हैं, उन्होंने मेरी नाड़ी देख ली है, मेरी आंखें देख ली है, मेरा जीभ को भी चेक कर लिया है, तो एक अलग फीलिंग आता है। अब ये टेली कंसल्टेशन करते हैं तो वैसा ही फिर संतोष होता है आपको? हाँ, संतोष होता है कि हमारी नाड़ी पकड़ रहे हैं, आला लगा रहे हैं, ऐसा मुझे महसूस होता है। और हमको बड़ा तबीयत खुश होती है कि भाई इतनी अच्छी व्यवस्था द्वारा बनाई गई है, जिससे कि हमको जहाँ परेशानी थी जाना पड़ता था, गाड़ी भाड़ा देना पड़ता था, वहाँ लाइन लगाना पड़ता था, और सारी सुविधाएं हमको घर बैठे बैठे मिल रही है। चलिए मदन मोहन जी, मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। उम्र के इस पड़ाव पर भी आप टेक्नोलॉजी को सीखे हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, औरों को भी बताइए ताकि लोगों का समय भी बच जाए, धन भी बच जाए, और उनको जो भी मार्गदर्शन मिलता है उससे दवाइयां भी अच्छे ढंग से हो सकती हैं। हाँ, और क्या। चलिए, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको मदन मोहन जी। बनारस को साहब आपने काशी विश्वनाथ के एकदम बना दिया, डेवलपमेंट कर दिया, ये आपको बधाई हमारे तरफ से। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हमने क्या बनाया जी, बनारस के लोगों ने बनारस को बनाया है, नहीं तो हम तो माँ गंगा की सेवा के लिए माँ गंगा ने बुलाया है, बस और कुछ नहीं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। प्रणाम जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। साथियों, देश के सामान्य मानवी के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वालों के लिए ई संजीवनी जीवन रक्षा करने वाला ऐप बन रहा है। ये है भारत की डिजिटल क्रांति की शक्ति, और इसका प्रभाव आज हम हर क्षेत्र में देख रहे हैं। भारत के यूपीआई की ताकत भी आप जानते ही हैं। दुनिया के कितने ही देश इसकी तरफ आकर्षित हैं। कुछ दिन पहले ही भारत और सिंगापुर के बीच यूपीआई पे नाउ लिंक लॉन्च किया गया। अब सिंगापुर और भारत के लोग अपने मोबाइल फोन से उसी तरह पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं जैसे वे अपने अपने देश के अंदर करते हैं। मुझे खुशी है कि लोगों ने इसका लाभ उठाना शुरू कर दिया है। भारत का ई संजीवनी ऐप हो या फिर यूपीआई, ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने में बहुत मददगार साबित हुए हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जब किसी देश में विलुप्त हो रहे किसी पक्षी की प्रजाति को, किसी जीव जंतु को बचा लिया जाता है तो उसकी पूरी दुनिया में चर्चा होती है। हमारे देश में ऐसी अनेकों महान परंपराएं भी हैं
जो लुप्त हो चुकी थी, लोगों के मन मस्तिष्क से हट चुकी थी, लेकिन अब इन्हें जनभागीदारी की शक्ति से पुनर्जीवित करने का प्रयास हो रहा है, तो इसकी चर्चा के लिए मन की बात से बेहतर मंच और क्या होगा। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो जानकर वाकई आपको बहुत प्रसन्नता होगी, विरासत पर गर्व होगा। अमेरिका में रहने वाले श्रीमान कंचन बैनर्जी ने विरासत के संरक्षण से जुड़े ऐसे ही एक अभियान की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित किया है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। साथियों, पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के बांस बेरिया में इस महीने त्रिवेणी कुंभो महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हुए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये इतना विशेष क्यों है? विशेष इसलिए क्योंकि इस प्रथा को 700 साल के बाद पुनर्जीवित किया गया है। यूं तो ये परंपरा हजारों वर्ष पुरानी है, लेकिन दुर्भाग्य से 700 साल पहले बंगाल के त्रिवेणी में होने वाला ये महोत्सव बंद हो गया था। इसे आजादी के बाद शुरू किया जाना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। 2 वर्ष पहले स्थानीय लोग और त्रिवेणी कुंभो परिचालना समिति के माध्यम से ये महोत्सव फिर शुरू हुआ है। मैं इसके आयोजन से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सिर्फ एक परंपरा को ही जीवित नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप भारत की सांस्कृतिक विरासत की भी रक्षा कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम बंगाल में त्रिवेणी को सदियों से एक पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता है। इसका उल्लेख विभिन्न मंगल काव्य, वैष्णव साहित्य, शाक्त साहित्य और अन्य बंगाली साहित्य कृतियों में भी मिलता है। विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजों से यह पता चलता है कि कभी यह क्षेत्र संस्कृत शिक्षा और भारतीय संस्कृति का केंद्र था। कई संत इसे माघ संक्रांति में कुंभ स्नान के लिए पवित्र स्थान मानते हैं। त्रिवेणी में आपको कई गंगा घाट, शिव मंदिर और टेराकोटा वास्तुकला से सजी प्राचीन इमारतें देखने को मिल जाएगी। त्रिवेणी की विरासत को पुनर्स्थापित करने और कुंभ परंपरा के गौरव को पुनर्जीवित करने के लिए यहाँ पिछले साल कुंभ मेले का आयोजन किया गया था। 7 सदियों बाद 3 दिन के कुंभ महास्नान और मेले ने इस क्षेत्र में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। 3 दिनों तक हर रोज होने वाली गंगा आरती, रुद्राभिषेक और यज्ञ में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस बार हुए महोत्सव में विभिन्न आश्रम, मठ और अखाड़े भी शामिल थे। बंगाली परंपराओं से जुड़ी विभिन्न विधाएं जैसे कीर्तन, बाउल, गोड़ियों नृत्य, श्रीखोल, पोटेर गान, छऊ नाच शाम के कार्यक्रम में आकर्षण का केंद्र बने थे। हमारे युवाओं को देश के सुनहरे अतीत से जोड़ने का एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। भारत में ऐसी कई और प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें रिवाइव करने की जरूरत है। मुझे आशा है कि इनके बारे में होने वाली चर्चा लोगों को इस दिशा में जरूर प्रेरित करेगी। मेरे प्यार देशवासियों, स्वच्छ भारत अभियान ने हमारे देश में जन भागीदारी के मायने ही बदल दिए हैं। देश में कहीं पर भी कुछ स्वच्छता से जुड़ा हुआ होता है तो लोग इसकी जानकारी मुझ तक जरूर पहुंचाते हैं। ऐसे ही मेरा ध्यान गया है हरियाणा के युवाओं के एक स्वच्छता अभियान पर। हरियाणा में गांव है दुल्हेड़ी। यहाँ के युवाओं ने तय किया हमें भिवानी शहर को स्वच्छता के मामले में एक मिसाल बनाना है। उन्होंने युवा स्वच्छता एवं जन सेवा समिति नाम से एक संगठन बनाया। इस समिति से जुड़े युवा सुबह 4 बजे भिवानी पहुंच जाते हैं। शहर के अलग अलग स्थलों पर ये मिलकर सफाई अभियान चलाते हैं। ये लोग
अब तक शहर के अलग अलग इलाकों से कई टन कूड़ा साफ कर चुके हैं। साथियों, स्वच्छ भारत अभियान का एक महत्वपूर्ण आयाम वेस्ट टू वेल्थ भी है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले की एक बहन कमला मोहराना एक स्वयं सहायता समूह चलाती है। इस समूह की महिलाएं दूध की थैली और दूसरी प्लास्टिक पैकिंग से टोकरी और मोबाइल स्टैंड जैसी कई चीजें बनाती हैं। ये इनके लिए स्वच्छता के साथ ही आमदनी का भी एक अच्छा जरिया बन रहा है। हम अगर ठान लें तो स्वच्छ भारत में अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। कम से कम प्लास्टिक बैग की जगह कपड़े के बैग का संकल्प तो हम सबको ही लेना चाहिए। आप देखेंगे आपका ये संकल्प आपको कितना संतोष देगा और दूसरे लोगों को जरूर प्रेरित करेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हमने और आपने साथ जुड़कर एक बार फिर कई प्रेरणादायी विषयों पर बात की, परिवार के साथ बैठ करके उसे सुना और अब उसे दिन भर गुनगुनाएंगे भी। हम देश की कर्मठता की जितनी चर्चा करते हैं उतनी ही हमें ऊर्जा मिलती है। इसी ऊर्जा प्रवाह के साथ चलते चलते आज हम मन की बात के 98 एपिसोड के मुकाम तक पहुंच गए हैं। आज से कुछ दिन बाद ही होली का त्योहार है। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। हमें हमारे त्योहार वोकल फॉर लोकल के संकल्प के साथ ही मनाने हैं। अपने अनुभव भी मेरे साथ शेयर करना न भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। अगली बार हम फिर नए विषयों के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।